ये पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। दोस्तों इंस्टाग्राम पर इस रील का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, तो मैं इस वीडियो में आपको ये रील बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, आगे से भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना क्योंकि सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पर ही पोस्ट डालता हूँ। अगर कोई दिक्कत आती है वीडियो में, कुछ आपको प्रॉब्लम है, तो मुझे आप मैसेज भी कर सकते हो, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। पहले की तरह आपको सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको कैपकट ऐप में अपनी वीडियो ओपन कर लेनी है और कुछ इस तरह से आपको वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है। चाहो तो आप अपनी मर्जी से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो सिंपल कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करने के बाद आपको नीचे की साइड ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद साउंड में जाना है आपको। साउंड में जाने के बाद आपको फोल्डर का एक ऑप्शन मिल जाएगा और फ्रॉम डिवाइस के साइड में ये वाला ऑप्शन पर जाकर आप अपने ऑडियो को ले लेना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। लेने के बाद कुछ इस तरह से ऐड कर लेना है आपको, और ऐड करने के बाद आपको स्टार्ट करना है। मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। और स्टार्ट करने के बाद कुछ यहाँ दोस्तों बीट की आवाज़ आएगी, यहाँ से स्टार्ट जो हमारा रिमिक्स है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपल आपको म्यूजिक पर सेलेक्ट करना है और बीट में जाना है, और सिंपल आपको ऐड बीट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस जगह आपको बीट ऐड करनी है, तो सिंपल आपको ऐड बीट पे क्लिक कर देना है। तो आपको पीले कलर की ये टिकली दिख जाएगी, इस टिकली को फॉलो करते हुए आपको इसे वीडियो को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद स्लिप्ट कर लेना है। स्लिप्ट करने के बाद बैक जाना है। बैक जाने के बाद स्पीड में जाना है। स्पीड के ऑप्शन में जाना है आपको, नॉर्मल सेलेक्ट करना है टूल, और इसकी स्पीड बिल्कुल आपको माइनस में कर देनी है। इस ऑप्शन में जाना है, बेटर क्वालिटी करके आपको सिंपल क्लिक कर देना है। ये आपकी वीडियो को स्लो मोशन में कन्वर्ट कर देगा। जब तक कि ये दोस्तों स्लो मोशन में कन्वर्ट कर रहा है, आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए आए हो तो, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। तो मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड में फॉरवर्ड कर देता हूँ, कट कर देता हूँ यानी कि। तो सिंपल प्रोसेसिंग होने के बाद दोस्तों आपकी वीडियो जो है स्लो मोशन में हो जाएगी। स्लो मोशन होने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जाना है। स्टार्टिंग में जाने के बाद आपको बैक जाने के बाद इफ़ेक्ट में जाना है। इफ़ेक्ट में जाने के बाद आपको वीडियो इफ़ेक्ट में जाना है। वीडियो इफ़ेक्ट में जाने के बाद आपको ये वाला डायमंड जूम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस डायमंड जूम को आपको सेलेक्ट करना है और अपने जहाँ से ये वीडियो कट की थी वहाँ तक आपको इसे खींचकर सेट कर देना है। इतना करने के बाद आपको वीडियो को प्ले करके देखना है। कुछ इस तरह से आपकी वीडियो डायमंड ब्लर के रूप में चमकेगी, तो कुछ इस तरह से आपकी वीडियो बन जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको ब्लर को सेट करना है और भी, तो ब्लर के उस पर क्लिक करना है, एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद इसकी स्पीड वगैरह को आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपल डन कर देना। डन करने के बाद तो दोस्तों कुछ इस तरह की आपकी वीडियो स्लो मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी। स्लो मोशन में होने के बाद आपको इस वाले हिस्से पर सेलेक्ट करना है और इसमें आपको एनिमेशन ऐड करना है। तो ये वाला आपको एनिमेशन इसमें ऐड कर लेना है, तो आपकी फुल वीडियो बनके तैयार होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।